हे व्हाट्स अप भाई, और आप सब कैसे हो? आप सभी का स्वागत है अनबॉक्सिंग ग्रीन चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्मार्ट वॉच के बारे में। दोस्तों आप ये देख रहे हो स्मार्ट ब्रेसलेट, इसको फ्लिपकार्ट अमेज़न में 300-400-500 का देखने को मिल जाता है। इसका नाम भी अलग अलग रहता है, ID 116, D 116, 116 प्लस 116 M1 स्मार्ट वॉच और D20 स्मार्ट वॉच भी इसका नाम देखने को मिल जाता है। प्राइस भी अलग अलग देखने को मिल जाता है। तो क्यों दोस्तों, इसका प्राइस दोस्तों नॉर्मली 300 का अंदर आपको मिल जाएगा। और ये दोस्तों चाइनीज प्रोडक्ट है और आपको जितने भी बजट प्राइस में 500 का देखने को मिल जाता है आपको यही ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इसका वॉल पेपर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन सेम प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। और इसके ऊपर जो है यूट्यूब में बहुत सारे रिव्यू वीडियो आपको देखने को मिल जाता है, जिनमें इसके बारे में इतना अच्छी तरह से आपको रिव्यू नहीं देता है। तो मैं आपको ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आपको जो इसके अंदर जितने भी फीचर्स है A to Z फीचर्स आपको मैं दिखा दूंगा, सिखा दूंगा। इसके अंदर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और इसके अंदर आपको जो वाटर प्रूफ भी देखने को मिल जाता है, इसी वीडियो के अंदर आपको जो वाटर प्रूफ भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। और दोस्तों इसके अंदर आप जो कॉल, मैसेज, फेसबुक, व्हाट्सएप का मैसेज आप देख सकते हो। और दोस्तों इसके मदद से मोबाइल से कनेक्ट करके फोटो वगैरह भी क्लिक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसका क्वालिटी देख ले, इसका फीचर देख लेते हैं और इस किस तरह पैकेजिंग के साथ आपको अमेज़न से मिलता है, मेरे को सारी चीज़ दिखा दो। चलिए दोस्तों बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के अंदर है D116 स्मार्ट वॉच। सो दोस्तों मैंने इसको अमेजोन से खरीदा, अभी इसका प्राइस 350 है, लेकिन ऑफर के टाइम ये आपको 300 में मिल जाता है। बैक साइड में इसका पीसीपीशन देख सकते हो, इसमें अंदर आपको जो है 1.3 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाएगा, 240x240 रेजोल्यूशन का आपको देखने को मिल जाता है इसके डिस्प्ले का। और इसमें आपको दोस्तों एक महीने तक इसमें डेटा सेव करके रख पाएंगे, कोई भी एक्टिविटी करते हुए एक महीने तक इसमें सेव रहता है। और इसका वेट काफ़ी कम है, बहुत ही हल्का फुल्का है, 30-40 ग्राम इसका वजन है। और इसके अंदर जो बैटरी यूज़ किया गया है लायन पॉलीमर का, 150 mAh का इसके अंदर बैटरी है। और दोस्तों ये 2 घंटा में फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन मैंने जब चार्ज किया तो आधा घंटा में 70% चार्ज हो गया और बाकी 1.5 घंटा में 30% चार्ज होता है। मतलब 2 घंटा में आपका जो ये फुल चार्ज हो जाएगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। और दोस्तों ये रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक कलर में ये आता है। और दोस्तों इसको आप जो है जो स्ट्रैप मिलता है इसको आप आसानी से लगा पाएंगे और बहुत ही मजबूत है और क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया, प्राइस के हिसाब से बिल्ड एंड क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इसको आप आउटडोर इंडोर दोनों आपको इसको यूज़ कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसका डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है काफ़ी अच्छा है, आउटडोर में भी इसको इंडोर में भी चला पाएंगे। स्मार्ट वॉच के होम पेज में आपको जो है डेट, टाइम, AM, PM और स्टेप, कितना आपने सारा दिन स्टेप चला है, कदम कितना कदम चला है, उस चीज़ को इस स्मार्ट वॉच में देख पाएंगे। उसके बाद इसमें जो हार्ट रेट मॉनिटर है, इसमें आपको 20 सेकेंड के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और उसके बाद इसमें स्पोर्ट्स का जो मूड है दोस्तों, इसके मदद से आपका वेट लॉस कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें आपने एक्सरसाइज करते हो, जंपिंग करते हो, रनिंग करते हो, कितना मिनट में कितना कैलोरीज आपका बर्न हो रहा है वो आप इधर में देख पाएंगे। इस स्मार्ट वॉच को आपका हाथ में रखना होगा, तभी आप इस चीज़ को देख पाएंगे। और दोस्तों इस स्मार्ट को नॉर्मली आप चलाते हो तो ये आपको लगभग 4 दिन तक ये चार्ज का रहता है। मैंने इसको फुल चार्ज करने के बाद मैंने नॉर्मल यूज़ किया तो मेरे को 4 दिन ये बैकअप दे दिया। और आप ज़्यादा यूज़ करते हो, हार्ड यूज़ करते हो, तो लगभग आपको जो है ये 2 दिन का ये बैकअप दे देगा, चार्ज काफ़ी अच्छा रहता है। और स्पोर्ट मोड चालू रहता है तो इसमें जो है टच बटन काम नहीं करता है, उसको होल्ड करके रखेंगे 3 सेकंड के लिए तभी जो ये ऑफ होगा। और इसमें आपको जो मैसेज का ऑप्शन मिलता है इसको आप क्लिक करते हो तो आपको नाल दिखाएगा, क्योंकि फिट प्रो ऐप से आपको कनेक्ट करना है, तभी जो है इसमें आपका जो जिस चीज़ को आपको जो अलाउ करके रखे है उसी चीज़ का इसमें जो है नोटिफिकेशन मैसेज देख पाएंगे। तो दोस्तों मैंने अभी फिट प्रो ऐप से कनेक्ट किया और आप देख सकते हो व्हाट्सअप का मैसेज इधर देख रहा है, तो इधर मैं आपको फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम का मैसेज आप देख सकते हो, लेकिन रिप्ले नहीं कर सकते हो दोस्तों, सिर्फ आप इधर से सिन कर पाएंगे, देख पाएंगे। स्मार्ट बैंड को फिट प्रो ऐप से मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद म्यूजिक के मूड में जाकर आप मोबाइल का जो है गाना प्ले, पॉज और स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो, बहुत ही मज़ेदार है, दूर से भी हो जाता है, मैंने ट्राई करके देखा, मेरे को ये फीचर्स काफ़ी अच्छा लगा। मोर के ऑप्शन में जाकर बटन को होल्ड करके रखते हो तो इसमें आप कितना टाइम नींद लिया स्लीप के ऑप्शन में देख सकते हो और वेदर भी चेक कर सकते हो और कैमरा शटर भी इसमें से ओपन कर सकते हो और लुकिंग फॉर भी इसमें से देख सकते हो और रिसीव भी कर पाएंगे। और आपका QR कोड मिल जाता है फिट प्रो ऐप को डाउनलोड करने का। तो दोस्तों इसमें आपका जो मॉडल देखने को मिल रहा है ये स्मार्ट वॉच का मॉडल है, ये इसको आप दबा के रखते हो बटन को तो इसमें बाय लिख के आएगा, मतलब ये स्मार्ट वॉच स्विच ऑफ हो गया। तो फिर से इसको ऑन करने के लिए आपको सिंपल है, उसी बटन को आप 3 सेकेंड के लिए दबा के रखेंगे तो स्मार्ट वॉच फिर से जो है ऑन हो जाएगा। इस स्मार्ट वॉच का जितना भी फीचर्स है ज़्यादातर आपको फिट प्रो ऐप से कनेक्ट करने के बाद ही आपको उसको चला पाएंगे। तो दोस्तों
प्ले स्टोर में जाने के बाद फिटप्रो सर्च करिए, फिटप्रो ऐप जो आएगा फास्ट में उसी को इंस्टॉल करना है, उसके बाद परमिशन मांगता है उसको दे देना है, उसके बाद बाइंड डिवाइस में जाकर आप देख सकते हो आपका स्मार्ट वॉच दिखने को मिल जाएगा। माइनस जितना ज़्यादा दिखाएगा उतना स्मार्ट वॉच दूर में रहता है तो दिखाता है, जितना बगल में रहेगा उतना माइनस कम दिखाएगा। तो आप जो है कुछ ही सेकंडों में स्मार्ट वॉच को फिटप्रो ऐप से कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें आपको जो स्लीप का ऑप्शन है इसमें क्लिक करके कितने तारीख को आप कितने घंटे नींद लिए थे उसको आप देख सकते हो, और उसके बाद आपको जो कोई भी काम पड़ा है वगैरह, खाना वगैरह खाते हो, कितने टाइम आपने वो किया उसको देखने के लिए हेल्दी हैबिट पे जाकर किस चीज़ को आपको फॉलो करना, किस चीज़ को आपको देखना, कितने टाइम आपने किया उस चीज़ को आप जो है इधर में सेलेक्ट कीजिए, उस चीज़ को आप देख पाएंगे। और दोस्तों इसमें जो हार्ट रेट मॉनिटर है उसमें आपको 20 सेकंड के अंदर दिखा देता है आपका हार्ट रेट कितना है। तो दोस्तों इसमें मैंने दो बार मैंने इसमें चेक किया, आप देख सकते हो मैंने जब पहले बार चेक किया तो 74 दिखा रहा है, तो फिर से मैंने जो इसमें चेक किया कि कितना हार्ट रेट मेरा दिखाता है, तो दोस्तों मैंने फिर से जब चेक किया तो मेरा जो है 70 आ गया है। तो दोस्तों मैंने अब स्मार्ट वॉच में चेक कर रहा हूँ कि कितना इसमें दिखाता है, तो दोस्तों आप देख सकते हो स्मार्ट वॉच में मेरे को 84 दिखा रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको जो है लगभग 70-80% एक्यूरेसी मिलता है, प्राइस के हिसाब से इतना एक्यूरेसी सही है। इसमें आपको जो है लुकिंग फॉर फाइंड का ऑप्शन मिलता है, इस फीचर्स की मदद से आपके मोबाइल स्मार्ट वॉच घर के अंदर कहीं पर गुम जाता है, खो जाता है, आप ढूंढ के नहीं मिल रहा है, तो आप इसके मदद से आप मोबाइल रिंग करेगा और आप स्मार्ट वॉच वाइब्रेट करेगा आपको आराम से आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों इसमें मैसेज पुश का जो ऑप्शन मिलता है, किस किस चीज़ का आपको नोटिफिकेशन मैसेज आपको स्मार्ट वॉच में देखना है उस चीज़ को इसमें इनेबल करके देख सकते हो, मैसेज को आप सिंक कर सकते हो स्मार्ट वॉच में। स्मार्ट वॉच मोबाइल के साथ कनेक्ट रहता है तो आपके मोबाइल में कॉल आता है तो इधर में आपको रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा, मतलब इसमें वाइब्रेशन होता है आपको मालूम चलेगा कि आपके मोबाइल में कॉल आया है। लेकिन स्मार्ट वॉच में आप कॉल रिसीव रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपके मोबाइल से ही रिसीव रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको क्या फ़ायदा है कि आपके मोबाइल में कॉल आता है तो आपको स्मार्ट बैंड में जो है वाइब्रेशन आएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि आपके मोबाइल में कॉल आया है। और दोस्तों डायल सेटिंग में जाकर आप जो है बहुत सारे वॉलपेपर थीम देखने को मिल जाएगा, उनमें आपका फ़ोटो भी लगा सकते हो, एप्पल का लोगो कुछ भी आप लगा सकते हो, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरे को सबसे अच्छा यही लगा कि इस स्मार्ट वॉच में हम जो वॉलपेपर चेंज कर पाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने जो है मेरा एक फ़ोटो मैंने सिलेक्ट किया और उसके ऊपर जो टाइम होता है वो चार तरफ की आता है, चार साइडों में आप उसको लगा सकते हो। तो उसको आप चेंज करने के बाद आप जो है जैसे सेट करते हो तो आपका फिटप्रो ऐप से कनेक्ट होकर आपका स्मार्ट बैंड में चला जाता है, 20-25 सेकेंड में आपका फ़ोटो स्मार्ट वॉच में ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों एप्लीकेशन से ही आप स्मार्ट वॉच को रीसेट कर पाएंगे और इधर सब रिमूव का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और अदर के ऑप्शन में आपको दोस्तों वाइब्रेशन सेटिंग देखने को मिल जाता है, जिसको आप जो है स्मार्ट वॉच का वाइब्रेशन ऑफ ऑन कर सकते हो, और OTA अपग्रेड में क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप इसमें कोई अपडेट मांग रहा है तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। और बैकग्राउंड सेटिंग में दोस्तों आपको इसमें कोई भी परमिशन मांग रहा है तो उसको आप अलाउ कर देना है, तभी जो है आपका इस स्मार्ट वॉच में सभी फीचर्स अच्छी तरह से वर्क करेगा। और दोस्तों इसमें आपको जो है रिस्ट सेंस का भी फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप दोस्तों कभी भी आपको जो फास्टली टाइम वगैरह देखना है डिस्प्ले में तो आप जो है मूव जैसे करोगे उसी टाइम आपको जो है टाइम दिखने को मिल जाएगा। तो उस चीज़ को इनेबल करने के लिए आप जो रिस्ट सेंस को ऑन करिए, उसके बाद 0 से 23 घंटा तक रखिए, तो आपको जो है 24 घंटा के लिए ये फीचर्स मिलेगा। तो दोस्तों उसके बाद इसमें आप जो है डू नॉट डिस्टर्ब का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सोने के टाइम इसको इनेबल करके सोने से अच्छा रहता है। और उसके बाद आप इसमें अलार्म वगैरह भी बहुत सारे सेट कर सकते हो। और इसमें आपको जो है दोस्तों बैठ के ज़्यादा टाइम आपको नहीं रखना है तो उसका भी अब इसमें सोल्यूशन है, इसको आप जो है सेट कर पाएंगे कितने टाइम के लिए आपको बैठना है, उस टाइम के हिसाब से इस इधर में आप जो सेट कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी फीचर्स इसका, आप डाइट पे हो तो उसको आप ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद दोस्तों आप जो है रनिंग वगैरह करते हो, वॉकिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो तो उसका भी इसमें आपको जो है सिस्टम देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आपको जो है इसमें रनिंग के ऑप्शन पे जाना है और आप उधर से जो है वॉकिंग माइलेज डिस्टेंस वगैरह नाप सकते हो, कितना माइलेज आपने रनिंग किया वो भी आप देख सकते हो, कितना माइलेज आप साइकिलिंग किया देख सकते हो, डिस्टेंस नाप सकते हो। यूज़र प्रोफाइल में जाकर आपका नेम, आप कितने एज का हो, कितना हाइट, फीट, वेट सभी चीज़ इसमें सेट करके रख सकते हो, कुछ दिन बाद आप चेक करके उसको चेंज भी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी फीचर्स है जो आपको मदद करेगा, मोटा हो रहा हो या फिर दुबला हो रहा हो, इसमें आप जो है उसका अपग्रेड करना चाहते हो उस चीज़ को इधर में ध्यान में रख पाएंगे। बहुत ही अच्छा ये सिस्टम
सिस्टम है दोस्तों। इसमें आपको सारी चीज़ें सेट करने से आपको जो है एक्यूरेट प्रॉपर फीचर्स मिलेगा इसका। इसमें आपको जो है कैमरा रिमोट शटर का ऑप्शन मिल जाता है जो बहुत ही बढ़िया फीचर्स है। इसको आप जो है मदद में ले सकते हो, कहीं भी ग्रुप सेल्फी लेना चाहते हो, फैमिली पिक लेना चाहते हो, उस टाइम इसको मोबाइल को दूर में रख के आप जो है मोबाइल स्मार्ट वॉच से कनेक्ट रहता है। तो आप स्मार्ट वॉच में दोस्तों बटन को जैसे 3 सेकंड के लिए प्रेस करते हो आपके स्मार्ट वॉच में से मोबाइल से कनेक्ट होकर फोटो क्लिक हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया फीचर से। सो दोस्तों ये जो स्मार्ट वॉच है ID 116 D116 ये दोस्तों IP67 वाटरप्रूफ के साथ आता है। इसी चीज को हम अभी आपके सामने लाइव चेक करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम जो 5-7 मिनट इसको पानी के अंदर रखेंगे और देखेंगे ये खराब होता है या फिर से चलने लगता है। तो दोस्तों मैंने इसको जो है बारिश वगैरह में भीग के भी यूज किया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा उसमें पानी अगर आ जाता है तो उसका बटन काम नहीं करता, लेकिन कुछ घंटे बाद ये सूख जाता है तो काम करने फिर से लगता है। तो दोस्तों आप इसको नॉर्मली बारिश वगैरह में घूमते हुए या फिर स्विमिंग भी करते हुए इसमें पानी चला जाता है 1-2 बूंद, तो उसको आप जो है सुखाने के लिए चावल के अंदर रख दीजिए तो ये अंदर से पूरा सूख जाएगा, तो आप दोबारा से इसको चला पाएंगे। लेकिन मैंने इसके साथ एक बहुत बड़ी गलती कर दिया दोस्तों। मैंने इसको जब पानी में डालने के बाद निकाला उस टाइम मैंने इसको जो है थोड़ा प्रेस किया था ज़ोर से, तभी जो कि इसके अंदर से एक आवाज़ आया टूटने का, इसका डिस्प्ले मैंने मेरे हाथ से टूट गया दोस्तों। थोड़ा नॉर्मल टाइप का है डिस्प्ले, आप जो इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, ये जो है टूट जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ये स्मार्ट वॉच बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आपको 300 के अंदर मिल जाएगा ऑफर के टाइम। अभी इसका 350 इसका प्राइस अभी चल रहा है, तो आप इसको खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए, प्राइस के हिसाब से ऑसम स्मार्ट वॉच है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये स्मार्ट वॉच कॉमेंट करके बताइएगा, इसके अंदर कोई भी सवाल सुझाव होगा तो मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, आप सिर्फ कॉमेंट करना। और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।